हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्टडी यूनिवर्स मध्य प्रदेश के नंबर वन चैनल फॉर डेली करंट अफेयर के इस वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे मध्य प्रदेश वीकली करंट अफेयर यानी मध्य प्रदेश साप्ताहिक करंट अफेयर 2021 के बारे में, जिसमें हम चर्चा करेंगे 16 से 30 जुलाई 2021 के बीच जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हुए उनके बारे में। दोस्तों, ये वीडियो हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में बनाया गया है। टॉप 40 से ज़्यादा क्वेश्चन इस वीडियो में लिए गए हैं, जो आपके मध्य प्रदेश के अलावा देश के भी जितने भी एग्जाम है SSC के, बैंक के, उनके लिए इम्पोर्टेंट है। दोस्तों, इसमें हमने जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं वो लिए हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और हमारे चैनल स्टडी यूनिवर्स को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। दोस्तों, आपकी सपोर्ट के बिना ये वीडियो आगे नहीं बढ़ सकता है। मैं अकेले पूरे वीडियो बनाने की मेहनत करता हूँ, तो दोस्तों आपको इसे सपोर्ट करना बनता है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, टोक्यो में ओलंपिक लॉरेल प्राप्त करने वाले निम्न में से कौन है? तो दोस्तों, इसका सही ऑप्शन है मोहम्मद यूनुस। मोहम्मद यूनुस टोक्यो में लॉरेल अवार्ड प्राप्त करने वाले बन गए हैं। दोस्तों, ये बांग्लादेश के रहने वाले हैं। आपको बता दें, ये लॉरेल अवार्ड ओलंपिक में दिया जाता है और इस अवार्ड की शुरुआत 2016 में रियो डी जेनेरियो ओलंपिक से की गई थी। पहला अवार्ड किप कीनो, जो केन्या के थे, उन्हें दिया गया था और अब मोहम्मद यूसुफ यूनस को 2021 में दिया गया है टोक्यो ओलंपिक में। मध्य प्रदेश में सबसे सस्ती बिजली देने वाला सौर ऊर्जा पार्क का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो इसका सही ऑप्शन है आगर। दोस्तों, आगर में मध्य प्रदेश की सबसे सस्ती बिजली देने वाला सौर ऊर्जा का पार्क का उद्घाटन किया गया है। दोस्तों, यह 2.5 रुपए प्रति यूनिट की बिजली प्रदान करेगा मध्य प्रदेश को। आपको बता दें, 200 और 350 मेगावाट की तीन इकाइयां स्थापित की जा रही हैं, एक आगर में, एक शाजापुर में और तीसरी नीमच में। ये तीनों एक ही कंपनी के द्वारा एस्टेब्लिश की जा रही हैं मध्य प्रदेश में, तो इनको आपको याद रखना है। नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों, प्रत्येक 18 जुलाई को नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। आप बता दें, दक्षिण अफ्रीका के पूर्व राष्ट्रपति रह चुके हैं नेल्सन मंडेला। 1990 में इन्हें भारत रत्न दिया गया था। दोस्तों, आपको बता दें, यह दिवस यानी नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस पहली बार 2010 में UN के द्वारा मनाया गया था, जिसका सही ऑप्शन हो जाएगा 18 जुलाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश को ICC का नया सदस्य बनाया गया है? तो दोस्तों, इसका सही ऑप्शन है मंगोलिया, तजिकिस्तान और स्विट्जरलैंड, यानी इन तीनों देशों को हाल ही में ICC का नया सदस्य देश बनाया गया है। तो इसका सही ऑप्शन है मंगोलिया, तजिकिस्तान और स्विट्जरलैंड। आपको बता दें, जाम्बिया को 2019 में ICC का सदस्य बनाया गया था। दोस्तों, 78वीं वार्षिक बैठक में इन तीनों देशों को ICC का सदस्य बनाया गया है और अब इनकी संख्या बढ़कर, यानी ICC के सदस्य देशों की संख्या बढ़कर 106 हो गई है। बात आई है ICC की, तो आपको बता दें, इसका फुल फॉर्म इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल यानी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद होता है। इसका जो आदर्श वाक्य है वह क्रिकेट फॉर गुड या अच्छे के लिए क्रिकेट है। इसका गठन या फॉर्मेशन 15 जून 1909 में किया गया था। मुख्यालय इसका दुबई UAE में है और अब सदस्य संख्या 106 हो गई है। और इसके जो अध्यक्ष हैं वह ग्रेग बार्कले हैं, जो न्यूजीलैंड से हैं। तो इतना आपको इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के बारे में याद रखना है, आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। हाल ही में क्रिकेट का सबसे लंबा छक्का किसके द्वारा लगाया गया है? तो दोस्तों, ये है लियाम लिविंगस्टोन, इनके द्वारा क्रिकेट का सबसे लंबा छक्का लगाया गया है। दोस्तों, 122 मीटर का छक्का इन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ लगाया है। लियाम लिविंगस्टोन इंग्लैंड के रहने वाले हैं। दोस्तों, इससे पहले जो सबसे लंबा छक्का लगाया था वह क्रिस लिन के द्वारा लगाया गया था। इन्होंने 121 मीटर का छक्का लगाया था और क्रिस लिन ऑस्ट्रेलिया से क्रिकेट खेलते हैं, तो इन दोनों के बारे में आपको इतना याद रखना है। एबी डिविलियर्स के बारे में अगर बात करें तो दोस्तों, इन्होंने सबसे कम गेंदों में वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में शतक लगाया है। ये रिकॉर्ड एबी डिविलियर्स के नाम है। हाल ही में किस देश में फ्रीडम डे मनाया गया है? तो इसका सही ऑप्शन है ब्रिटेन। ब्रिटेन में हाल ही में फ्रीडम डे मनाया गया है, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा 4th ब्रिटेन। आपको बता दें, कोरोना के बाद सारी पाबंदियां पहली बार हटाई गई थी, इसलिए देश जो ब्रिटेन के नागरिक हैं उन्होंने फ्रीडम डे मनाया है।
बताइए यूनाइटेड किंगडम की, यूके की, तो चलिए आपको इसकी लोकेशन बता देते हैं। ये आप देख पा रहे होंगे, यूनाइटेड किंगडम है। यहाँ की राजधानी लंदन है। जो यहाँ के सम्राट या मोनार्च है वह एलिजाबेथ द्वितीय है। प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन है। और यहाँ की जो मुद्रा है वह पाउंड स्टर्लिंग है। तो आपको इतना यूके यूनाइटेड किंगडम के बारे में या ब्रिटेन के बारे में याद रखना है। मध्य प्रदेश के किस शहर में चंदू सरवटे के नाम पर मैदान का नाम रखा गया है? तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन है सागर। सागर में क्रिकेटर चंदू सरवटे के नाम पर एक मैदान का नाम रखा गया है। आपको बता दें इनका जन्म, यानी चंदू सरवटे थे, इनका जन्म सागर में हुआ था। इनकी 101वीं जयंती मनाई गई है 2021 में। 22 जुलाई को इनका जन्म हुआ था। एक और इम्पोर्टेंट फैक्ट आपको बता दें, 2019 में सी के सरवटे यानी चंदू सरवटे नाम का टूर्नामेंट भी सागर में आयोजित किया गया था। और अब ये स्टेडियम का नाम भी सागर में चंदू सरवटे किया गया है। दोस्तों यहाँ पर चंदू सरवटे है। हाल ही में बैदही डोंगरी को निम्न में से किस अवार्ड के लिए चुना गया है? तो दोस्तों हाल ही में बैदही डोंगरी को मिस इंडिया यूएसए इस अवार्ड के लिए इन्हें चुना गया है। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा मिस इंडिया यूएसए। निम्न में हाल ही में कम्बमपति हरिबाबू को किस राज्य का राज्यपाल नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन है मिजोरम। हाल ही में मिजोरम का नया राज्यपाल कम्बमपति हरिबाबू को बनाया गया है। दोस्तों मिजोरम के ये 22वें राज्यपाल होंगे। बात आई है मिजोरम की, तो आपको लोकेशन के बारे में बता दें, ये मिजोरम है। यहाँ ऊपर आपको अरुणाचल प्रदेश मिलेगा, यहाँ पर फिर नागालैंड मिलेगा, और यहाँ अगर मणिपुर मिलेगा फिर ये मिजोरम है। ये जो दिख रहा है आपको ये त्रिपुरा है, ये जो दिख रहा है ये अरुणाचल प्रदेश है, और ये असम का है। यानी असम एकमात्र ऐसा स्टेट है जो सातों स्टेटों को कवर करता है, साउथ ईस्ट सॉरी नॉर्थ ईस्ट के स्टेटों के लिए। बात आई है मिजोरम की, तो आपको बता दें इसकी स्थापना 22 फरवरी 1987 में की गई थी। राजधानी आइजोल है। गवर्नर हाल ही में हरिबाबू कम्बमपति को बनाया गया है, और जो मुख्यमंत्री हैं वह है जोरंग थंगमा है। बच्चों का सहारा फोन हमारा पहल किस राज्य में शुरू की गई है? तो इसका सही ऑप्शन है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में यह पहल शुरू की गई है जिसका नाम बच्चों का सहारा फोन हमारा इस पहल का नाम है। दोस्तों आपको बता दें इसकी जो ब्रांड एम्बेसडर हैं वह यामी गौतम जो एक्ट्रेस हैं उनको बनाया गया है। और हाल ही में हिमाचल प्रदेश के नए राज्यपाल भी बने हैं, उनका नाम राजेंद्र विश्वनाथ अंक लेकर है। तो आपको इतना हिमाचल के बारे में जानना जरूरी है। चलिए इसकी लोकेशन के बारे में भी हम जानते हैं, ये कहाँ पर है भारत की मैप में। दोस्तों ये आप देख पा रहे होंगे भारत की मैप में हिमाचल प्रदेश की लोकेशन है। इसके बाजू में उत्तराखंड है, यहाँ पर पंजाब है, यहाँ पर हरियाणा है, और एक उत्तर प्रदेश भी उससे लगता है। बात करते हैं हिमाचल प्रदेश की स्थापना की, तो 25 जनवरी 1971 को इसकी स्थापना हुई थी। राजधानी शिमला है। गवर्नर हाल ही में राजेंद्र विश्वनाथ आर किलर बनाए गए हैं। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने राज्यसभा की 3 और लोकसभा की 4 सीटें हैं हिमाचल प्रदेश में। तो आपको इतना हिमाचल प्रदेश के बारे में याद जरूर रखना है। हाल ही में निधन उर्मिल कुमार थपलियाल निम्न में से कौन थे? तो आपको बता दें ये नाटक और व्यंग्यकार दोनों थे, यानी इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए एंड बी। आपको बता दें उर्मिल कुमार थपलियाल नाटककार और व्यंग्यकार थे। ओलंपिक 2032 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो इसका सही ऑप्शन है ब्रिस्बेन। ब्रिस्बेन जो ऑस्ट्रेलिया के एक शहर है, यहाँ पर ओलंपिक 2032 का आयोजन किया जाएगा। जो हाल ही में न्यूज आई है उसके अनुसार आपको बता दें 2024 का जो आयोजन है ओलंपिक का, वह 2024 का आयोजन पेरिस फ्रांस में किया जाएगा, और 2028 का लॉस एंजल्स यूएसए में किया जाएगा। वहीं अगर बात करें ऑस्ट्रेलिया में इससे पहले भी क्या ओलंपिक का आयोजन किया गया है, तो 1956 में मेलबर्न में ओलंपिक का आयोजन हुआ था, और उसके बाद 2000 में सिडनी में ओलंपिक का आयोजन हुआ था। अब इसके बाद ब्रिस्बेन में जो ऑस्ट्रेलिया के एक शहर है वहां पर ओलंपिक 2032 का आयोजन किया जाएगा। निम्न में से किस जगह भारतीय विरासत संस्थान की स्थापना होगी? तो इसका सही ऑप्शन है नोएडा। नोएडा में भारतीय विरासत संस्थान की स्थापना की जाएगी। दोस्तों आपको बता दें गौतम बुद्ध नगर में इसे बसाया जाएगा। यह देश की पहली विरासत संस्थान का संरक्षण और अनुसंधान पर ध्यान केंद्रित करने के लिए बनाया जाएगा। तो आपको इसका ऑप्शन याद रखना है, भारतीय विरासत संस्थान को नोएडा में बसाया जाएगा। टाइम मैगजीन के अनुसार 100 सबसे लोकप्रिय स्थानों में 2021 में कौन सा रहा है?
तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन है जयपुर। जयपुर टाइम मैगजीन 100 लिस्ट में सबसे ऊपर रहा है भारत की ओर से। दोस्तों आपको बता दें यह लिस्ट भारत की ही थी जिसमें जयपुर टॉप किया है। इसके बाद आता है उत्तरी गोवा का। दोस्तों यहाँ पर नाइट स्काई टूरिज्म भी है जयपुर में, और गुलाबी शहर के नाम से भी जयपुर को जाना जाता है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा जयपुर। हाल ही में किसे एशिया का सबसे हैंडसम मैन चुना गया है? तो दोस्तों ये हैं प्रभास, साउथ एक्टर हैं प्रभास, जिन्हें हाल ही में एशिया का सबसे हैंडसम मैन चुना गया है। दोस्तों आप इनको जानते हैं, बाहुबली में ये एक्टर रहे हैं। इसके अलावा इमरान अब्बास नकवी जो पाकिस्तान के हैं, इन्हें दूसरा सबसे हैंडसम मैन चुना गया है एशिया का। और जिन अका निशिको जो जापान के हैं, इन्हें तीसरा एशिया का हैंडसम चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य प्रदेश में ऐतिहासिक शहरी परिदृश्य पर योजना के तहत यूनेस्को द्वारा चुने गए शहर कौन सी हैं? तो इसका सही ऑप्शन है ओरछा और ग्वालियर, यानी सही ऑप्शन हो जाएगा बी एंड सी। मध्य प्रदेश में ऐतिहासिक शहरी परिदृश्य योजना के लिए यूनेस्को द्वारा चुने गए शहर ओरछा और ग्वालियर हैं। दोस्तों आपको यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल कल्चरल एंड साइंटिफिक ऑर्गेनाइजेशन, उन्हें यूनेस्को के बारे में बता दें, इसका फॉर्मेशन 1945 में हुआ था, हेडक्वार्टर पेरिस फ्रांस में है, और हेड इसके आंद्रे अजुलाय हैं जो एक लेडी हैं। तो आपको इतना यूनेस्को के बारे में याद जरूर रखना है। द इकोनॉमिस्ट की नॉर्मल सी इंडेक्स रिपोर्ट के अनुसार भारत का स्थान कौन सा है? तो दोस्तों इसमें भारत का स्थान 44वां है। द इकोनॉमिस्ट की नॉर्मल सी इंडेक्स, दोस्तों कोरोना के बाद कितने देश नॉर्मल हुए हैं, कितने देशों में क्या क्या तकलीफें आई हैं, इसके बारे में द इकोनॉमिस्ट ने एक नॉर्मल सी इंडेक्स जारी की थी, और उसमें भारत का स्थान 44वां है। वहीं बात करें पहले स्थान पर कौन है, तो हांगकांग पहले स्थान पर है। हाल ही में रिपोर्ट के अनुसार यूनेस्को विश्व धरोहर में भारत की कुल कितनी साइटें जोड़ी गई हैं, या कुल कितनी साइटें हो गई हैं भारत की? तो इसका सही ऑप्शन है दोस्तों 40। यूनेस्को विश्व धरोहर में भारत की 40 साइटें हो चुकी हैं। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सेकंड। दोस्तों आपको बता दें जो वर्तमान में हाल ही में तेलंगाना मंदिर, तेलंगाना में जो रामप्पा मंदिर है उसे जोड़ा गया था, और गुजरात का धोलावीरा एक सिंधु घाटी सभ्यता का शहर है, इसे 40वीं साइट के रूप में यूनेस्को विश्व धरोहर में जोड़ा गया है। अब 2021 में आपको बता दें यूनेस्को का 44वां सत्र का आयोजन किया गया था, और भारत में सबसे ज्यादा जो साइटें हैं वह महाराष्ट्र में हैं। कुल 5 साइटें महाराष्ट्र में देखने को मिलती हैं। यूनेस्को के बारे में मैंने आपको पहले ही बता दिया है, इसका फुल फॉर्म यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल कल्चरल साइंटिफिक एंड ऑर्गेनाइजेशन होता है। फॉर्मेशन 1945, हेडक्वार्टर पेरिस फ्रांस, हेड हैं आंद्रे अजुले। प्रदेश का एकमात्र शिव का मुख्य लिंग किस स्थान पर है? तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन है एरन। एरन जो सागर में स्थित है, यहाँ पर प्रदेश का मुख्य लिंग स्थित है, यानी अभी तक जितने भी आपने शिवलिंग देखे होंगे वो पूरे के पूरे शिवलिंग हैं, लेकिन किसी में भी मुख्य जो है वह नहीं दर्शाया, मुख जो है वह नहीं दर्शाया गया शिव जी का, लेकिन जो एरण है वहां पर शिवलिंग में शिव का मुख भी दर्शाया गया है। तो ऐसा एकमात्र शिवलिंग मध्य प्रदेश के सागर के एरण नामक स्थान पर आपको देखने को मिलता है। सती का प्रथम उल्लेख भी सागर में ही आपको देखने को मिलता है। दोस्तों मैंने सागर के बारे में आपको कई बार इंपोर्टेंट फैक्ट बताए हैं, आप वीडियो को रोककर सागर के जितने भी इंपोर्टेंट फैक्ट हैं उन्हें याद कीजिए, जितना भी हो सके रिवाइज कीजिए, तब आपको दोस्तों हैबिट पड़ जानी चाहिए अभी तक तो, और ऐसे जितने भी फैक्ट आते हैं उनके बारे में आपको याद होना जरूरी है। देश का पहला इन्फेंट्री म्यूजियम कहाँ खोला जाएगा? तो इसका सही ऑप्शन है दोस्तों महू। महू में देश का पहला इन्फेंट्री म्यूजियम खोला जाएगा। आपको बता दें म्यूजियम में कारगिल वॉर रूम भी बनाया जाएगा। महू जैसा कि आपको पता है इंदौर में स्थित है, और जो हमारे अंबेडकर जी हैं उनका जन्म स्थली भी महू ही रहा है। जानापाव पहाड़ी यहीं पर है, जहां पर जहां से चंबल नदी का उद्गम स्थल है। तो ये कुछ इंपोर्टेंट फैक्ट हुए महू के बारे में। हाल ही में बसवराज बोम्मई को किस राज्य का नया मुख्यमंत्री नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन है कर्नाटक। कर्नाटक का नया मुख्यमंत्री बसवराज बोम्बई को बनाया गया है। दोस्तों ये कर्नाटक के 23वें मुख्यमंत्री होंगे। चलिए बात आइए कर्नाटक की, तो आपको मैप में लोकेशन के बारे में बताते हैं।
मैप में ये लोकेशन आप देख पा रहे होंगे कर्नाटक की। कर्नाटक के एक तरफ गोवा, एक तरफ महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और केरल, ये पांचों राज्य कर्नाटक को घेरते हैं। बात आई है दोस्तों गठन की, तो 1 नवंबर 1956 को कर्नाटक का गठन हुआ था। राजधानी बेंगलुरु है। यहाँ के जो राज्यपाल हारी बने हुए थावरचंद गहलोत बने हैं, मुख्यमंत्री बसवराज बोम्बई बने हैं। लोकसभा की 28 और राज्यसभा की कुल 12 सीटें हैं कर्नाटक में। तो इतना आपको कर्नाटक के बारे में याद जरूर रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में एससीओ रक्षा मंत्रियों की बैठक का आयोजन किस देश में किया गया है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा तजाकिस्तान। तजाकिस्तान में एससीओ रक्षा मंत्रियों की बैठक का आयोजन 2021 में किया गया है। तजाकिस्तान के दुशांबे शहर में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह गए थे, इनका आयोजन इसी में किया गया है। दोस्तों इसके अलावा कानून मंत्रियों की भी बैठक एससीओ की तजाकिस्तान में हो चुकी है। तो जैसा कि आपको पता है 2021 में अगर आपसे पूछा जाए कि मंत्रियों की बैठक या रक्षा मंत्रियों की बैठक या कानून मंत्रियों की बैठक कहाँ हुई है एससीओ की, तो उसका सही ऑप्शन हो जाए तजाकिस्तान। दोस्तों बात आई है एससीओ की, तो आपको इसके बारे में बता दें, इसका फुल फॉर्म संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन होता है। इसका जो हेडक्वार्टर है वह दोस्तों बीजिंग चाइना में है। नाम भले संघाई है लेकिन हेडक्वार्टर बीजिंग संघाई में है। इसका फॉर्मेशन 2001 में किया गया था। दोस्तों इसके कुल 8 मेंबर हैं जिसमें कजाकिस्तान, इंडिया, किर्गिस्तान, चाइना, पाकिस्तान, रशिया, तजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान हैं। इसके अलावा 4 ऑब्जर्वर स्टेट हैं जिसमें अफगानिस्तान, बेलारूस, मंगोलिया और ईरान, ये 4 ऑब्जर्वर स्टेट हैं। वहीं अगर बात की जाए 6 डायलॉग पार्टनर्स हैं वो कौन कौन सी हैं, तो अर्मेनिया, अजरबैजान, कंबोडिया, नेपाल, श्रीलंका और टर्की, ये प्रमुख 6 डायलॉग पार्टनर हैं। तो इतना आपको इसके बारे में याद रखना है। आखिर में बात की जाए सेक्रेटरी जनरल की, तो एससीओ के सेक्रेटरी जनरल व्लादिमीर नोरोव हैं। तो इतना आपको एससीओ के बारे में याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में निधन, नंदू नाटिकर हाल ही में किस खेल से प्रसिद्ध खिलाड़ी थी? तो दोस्तों आपको बता दें नंदू नाटिकर बैडमिंटन के खिलाड़ी थे। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा फोर्थ, बैडमिंटन। नंदू नाटिकर बैडमिंटन के प्रसिद्ध खिलाड़ी थे। इनकी 88 वर्ष की आयु में निधन हुआ है। 1961 में इन्हें अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया था। 1956 में विदेश में खिताब जीतने वाले पहले भारतीय थे नंदू नाटिकर। तो आपको इनके बारे में इतना जरूर याद रखना है। हाल ही में दिल्ली पुलिस आयुक्त के रूप में किसे चुना गया है? तो इसका सही ऑप्शन है राकेश अस्थाना। राकेश अस्थाना को दिल्ली पुलिस आयुक्त के रूप में चुना गया है। आपको बता दें 1984 आईपीएस बैच के अधिकारी हैं। इसके अलावा ये सीमा सुरक्षा बल महानिदेशक भी हैं। तो आपको इतना राकेश अस्थाना के बारे में याद रखना है। वहीं अगर बात की जाए एसएस देसवाल की, तो दोस्तों ये आईटीबीपी के महानिदेशक बने हैं। इसके अलावा ये बीएसएफ का अतिरिक्त प्रभार भी ग्रहण किए हुए हैं। तो आपको इन दोनों के बारे में याद रखना है। यहाँ पर जो सही आंसर हो जाएगा वह राकेश अस्थाना होगा। विश्व हेपेटाइटिस दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रत्येक 28 जुलाई को हेपेटाइटिस दिवस का आयोजन किया जाता है और इसी दिन यह सेलिब्रेट भी किया जाता है। इसकी जो शुरुआत है वह 2010 से WHO के द्वारा की गई थी। 2021 में इसकी जो थीम है हेपेटाइटिस कांट वेट, ये थीम रखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय टाइगर दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रत्येक 29 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय टाइगर दिवस मनाया जाता है। तो सही ऑप्शन हो जाएगा 29 जुलाई। आपको बता दें इस बार जो इसकी थीम है डियर सर्वाइवल इज इन अवर हैंड, ये रखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसी बाघ मानक संस्था की मान्यता प्राप्त हुई है? तो इसका सही ऑप्शन है पन्ना टाइगर रिजर्व। पन्ना टाइगर रिजर्व जो मध्य प्रदेश का एक टाइगर रिजर्व है, इसे हाल ही में बाघ मानक संस्था जिसका नाम कैटस है इसके द्वारा मान्यता प्राप्त की गई है। दोस्तों टोटल टाइगर रिजर्व जो भारत में वह 41 है। यह दोस्तों जो कैटस का प्रमाण पत्र पाने वाला पन्ना टाइगर रिजर्व 14वां बन गया है। सबसे ज्यादा टाइगर मध्य प्रदेश में आपको देखने को मिलते हैं। और अगर वहीं घनत्व की बात भी की जाए तो बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व जो मध्य प्रदेश का है वहां पर बाघों का सबसे ज्यादा घनत्व देखने को मिलेगा। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा पन्ना टाइगर रिजर्व। हाल ही में किससे महाराष्ट्र भूषण अवार्ड 2021 प्रदान किया गया है? तो इसका सही ऑप्शन है आशा भोसले। आशा भोसले को महाराष्ट्र भूषण अवार्ड 2021 प्रदान किया गया है। दोस्तों यह अवार्ड पहली बार, महाराष्ट्र भूषण अवार्ड पहली बार 1996 में दिया गया था। महाराष्ट्र का यह सर्वोच्च नागरिक अवार्ड है।
अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छ वायु उत्प्रेरक कार्यक्रम में मध्य प्रदेश से भारत से चयनित एकमात्र शहर कौन सा है? दोस्तों मध्य प्रदेश से तो चयनित किया ही गया है, लेकिन भारत से भी अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छ वायु उत्प्रेरक कार्यक्रम के लिए चुना जाने वाला एकमात्र शहर है इंदौर। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सेकेंड इंदौर। दोस्तों आपको जैसा कि पता है पिछले 4 साल से इंदौर देश में नंबर 1 है स्वच्छता के मामले में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शहीद ऊधम सिंह 2021 में कौन सी शहादत दिवस मनाया गया है? तो इनका 82वां शहादत दिवस 2021 में मनाया गया है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा थर्ड। दोस्तों आपको बता दें इनका असल नाम शेर सिंह था। जलियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ था उसका बदला लेने के लिए 1940 में इंग्लैंड गए थे और वहां पर माइकल ओ डायर जिसने गोलियां चलवाई थी जलियांवाला बाग में उसे मारा था, तो इनका बदला पूरा किया था। जिसका सही ऑप्शन है 82वां जो शहादत दिवस हाल ही में 2021 में ऊधम सिंह का मनाया गया है। तो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो जिसमें हमने बात की 16 से 30 जुलाई के बीच जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हुए हैं उसके बारे में। अगर वीडियो आपको पसंद आता है तो लाइक जरूर कीजिए, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और हमारे चैनल स्टडी यूनिवर्स को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगर आपको कोई क्वेरी होती है तो ये मेल आईडी दी गई है, इस पर आप मुझे मेल कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी डाउट होता है, आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो इस मेल आईडी जरूर कर सकते हैं। और दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर जरूर कीजिए, मैं बीच में एक बार भी नहीं बोलता हूँ कि आप शेयर कीजिए या कुछ भी कीजिए। दोस्तों इस वीडियो को शेयर जरूर करना, करंट अफेयर मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है किसी भी एग्जाम के लिए और मध्य प्रदेश के एग्जाम के लिए, इससे बाहर तो करंट अफेयर क्वेश्चन नहीं बनेगा, आई एम डैम श्योर। तो आपको ये वीडियो शेयर जरूर करना है। तो आज के लिए बस इतना ही, नमस्कार, हैव अ नाइस डे।